हेलो दोस्तों आज हम दिखाएंगे आपको इनोटेक बास्केट कैसे लगाते हैं ड्रिल मशीन। ये देखिए हमने बॉक्स बना के रख लिया है तो यार अब तो मेरे पे ड्रिल मशीन कहां से आए। इसमें इनोटेक लगाएंगे धीरे धीरे। इसमें तीन बीच में और दो साइडों में दो चार और 3 7 बास्केट आएंगे। ये हमारी ऊपर की जगह है कि लेकिन सलीम ले गया है और हम बॉक्स लगाने वाले हैं। ये बीच में हॉब की कटिंग है, इधर सिंक भी है। ये हम ऊपर का बॉक्स लगा रहे हैं फास्टनर के द्वारा। इसमें हैमर से होल करके और फास्टनर से हम इस बॉक्स को जाम कर रहे हैं। ये हमारा बॉक्स धीरे धीरे जाम होता जा रहा है। ये फास्टनर हमने थोड़ा सा ठोका और उसके बाद हम ड्रिल मशीन से पेच को टाइट कर देंगे। ये हो गया और अब हम इनोटेक लगाने के लिए जा रहे हैं। ये मैंने खड़े मोबाइल से भी बना दी थी वीडियो और ये इनोटेक बास्केट एक एक करके लगाई जाएंगी। इसलिए पेच एक साइड में मारा और एक अंदर मारा और एक बीच में भी मारना पड़ेगा। 3 4 पेच लगा के उसे पक्का मजबूती से करना पड़ेगा। और हम अब इसकी ऊपर की पत्ती खोल के इसके अंदर डालेंगे। ये देखिए हमारी इनोटेक बास्केट कैसी होती है। ये 2 साइड हैं। नीचे की हमने फिट कर दी है, ऊपर की लगाई जा रही है। धीरे धीरे सारी चीज़ आपको बताएंगे। ये अब अगला प्रोसेसर चल रहा है। इनोटेक में बॉटम नीचे का हिस्सा पेच के द्वारा लगाया जाता है। इसमें 3 4 पेच इधर और उधर दोनों साइड में मारने भी पड़ेंगे। ये सपोर्ट के लिए लाग लगा के पेच मारेंगे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा। ये हमारी इनोटेक में पेच लग चुके हैं और अब इसका बॉटम लग गया है। अब इसकी बैक लगाएंगे हम। ये इसकी बैक, इसमें भी साइड से पेच लगाएंगे। जगह बनी हुई होती है, आप देख सकते हैं। ड्राइंग भी आती है इनोटेक के साथ। ये रिजवान मिस्त्री लगे हुए हैं। अब ये देखिए इनोटेक बिना मत्था लगाए चला के देख रहे हैं। ये देखो आप, ये हाइड्रोनिक भी काम करेगी। धीरे धीरे अंदर जाएगा ये टेंडम। अब इसका मत्था लगाया जाएगा, एक एक करके मत्था लगाया जाएगा। इसकी 2 पत्ती होती हैं, वो इंची टेप से नाप के कहाँ लगनी है वो जगह दिख जाती है। अब देखो ये फिट करेंगे। ये फिट हो गई। वीडियो अच्छी लगी हो तो यार सब्सक्राइब भी कर दिया करो चैनल को। आप देखिए फिनिशिंग के साथ। ये एक्रेलिक सनमाइका है और ये हमारा मत्था लग के रेडी हो चुकी है हमारी किचन। वीडियो जल्दी बनाई है वरना ये बहुत लंबी हो जाती। ये अब इसे बिल्कुल पक्का कर देंगे। इसकी साइड की डंडी भी लगाएंगे। फ़िलहाल हम एक एक डंडी लगाएंगे। ये पूरी किचन की लुक है। ये साइड की जो डंडी होती हैं 8 इंची और 6 इंची की स्कैनर की, उसकी पत्ती फिट कर रहे हैं और नीचे होल भी करना पड़ेगा। ये दोनों की पत्ती लग गई। ये एक स्क्रू कस के दोनों पत्ती लग गई। अब नाप के नीचे होल करेंगे। बिट चेंज करना पड़ेगा इन्हें होल करने के लिए। याद रखना जो हमारी पत्ती है उसका साइज़ 10 mm के आसपास आता है, तो हॉल भी उतना ही करना पड़ेगा। ये सीधा गुनिया से निशान लगा के तब उसी सीध में लगाएंगे ताकि वो साइड में ना आड़े। ये हमने बिट बदल दिया और इसमें हॉल होगा 10 mm तक आप हॉल कर सकते हो उसमें, और थोड़ा सा फेविकोल लगा के डालना पड़ेगा ताकि वो चिपक भी जाए। ये प्रो बॉन्ड PVC बॉन्ड इन्होंने डाल दिया। अब उसकी पत्ती हमने कस दी, उसमें चूड़ियाँ आती हैं तो उसे कसने के बाद इसमें चूड़ी से वो कस ली जाता है। और काफ़ी ऐसी आती हैं जो साइड से फंस जाती हैं, चूड़ी की ज़रूरत नहीं है, साइड से फंस जाएगी। ये गोदरेज की इनोटेक है। ये ऊपर भी फंसा देंगे और नीचे भी फंसा देंगे। ये धीरे धीरे इन्होंने कस दिया और वो फंस गया। साइड में ऊपर से पत्ती नीचे सरका देते हैं ताकि वो दिखाई भी ना दे। ये दोनों साइड लग गई, अब मत्था आगे पीछे भी नहीं होगा। अब देखिए आप, ये देखो पूरी फिनिशिंग करेंगे किचन की, अगली वीडियो भी बनाएंगे। काफ़ी फिनिशिंग से लगाई जा रही है ये, और देखो बारीकी से लगा रहे हैं मिस्त्री साहब हमारे। वो देख रहे हैं कि आगे पीछे भी हो जाता है ना इसमें, तो वो ऊपर से आगे पीछे कर रहे हैं मत्थे को ताकि साइड से सीधा का सीधा ही दिखाई दे। ये देखो इन्होंने अपनी टोटल बास्केट कस दी हैं। अब ये चला के भी दिखा रहे हैं। ये कोने का कॉर्नर कब्जा लगा हुआ है। छः बाई 9 की किचन। ये ऊपर के पल्ले हैं, इसमें सॉकर लगने अभी बाकी हैं, वो सॉकर भी लगाए जाएंगे। ग्रे टोन की एक्रेलिक सीट है। और वीडियो जिस किसी भाई ने पूरी देखी हो तो सब्सक्राइब भी करना चैनल को। पंखा तो ना बंद कर दरवाजे से बंद कर दिया, इसके लगाओ इसमें, तब मजा आएगा। बंद कर जो भेज रहे हैं पूरी भेज रहे।